जबकि बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कमलनाथ का एक वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर कांग्रेस पर हमला किया। वीडियो जारी कर संबित पात्रा ने दावा किया कि कमलनाथ बंद कमरे में मुस्लिमों के तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। साथ ही संबित ने आरोप लगाया कि कमलनाथ आरएसएस को चुनाव के बाद देख लेने की बात कर रहे हैं। तमाम लोग मध्य प्रदेश से कमलनाथ जी की जो ये लीक्ड वीडियो है उसे शेयर कर रहे हैं। सोशल मीडिया से इस वीडियो को हम आपके समक्ष रख रहे हैं और कुछ बहुत महत्वपूर्ण सवाल। आज इनके आरएसएस वोटर क्या कर रहा है, आरएसएस के जो कार्यकर्ता हूं क्या कह रहे हैं आप मुझे जानकारी। आरएसएस के जो लोग इन्होंने खिलाए हुए हैं, मैं तो छिंदवाड़ा की बात करूं, मुझे तो लोग आके बता देते हैं। उनके आरएसएस क्योंकि नागपुर से जुड़ा हुआ है, वहां तो उनके लिए सुबह आओ रात को चले जाओ तो बड़ा आसान है। वो उनका एक ही स्लोगन है, अगर हिंदू को वोट देनी है तो हिंदू शेर मोदी को वोट दो, अगर मुसलमान को वोट देनी है कांग्रेस को वोट। केवल दो लाइन और कोई पाठ पढ़ाने नहीं जाते, ये इनकी रणनीति है और इसमें आप सबको बड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। आपको उलझाने की कोशिश करेंगे, आपको उलझाने की कोशिश करेंगे, हम निपट लेंगे इनसे बाद में, पर मतदान के दिन तक आपको सब कुछ रहना पड़ेगा। यह वीडियो आज सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। तमाम लोग मध्य प्रदेश से कमलनाथ जी की जो ये लीक्ड वीडियो है उसे शेयर कर रहे हैं। सोशल मीडिया से इस वीडियो को हम आपके समक्ष रख रहे हैं और कुछ बहुत महत्वपूर्ण सवाल कांग्रेस पार्टी के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए किस प्रकार की वैमनस्यता कांग्रेस पार्टी के मन में आरएसएस एवं हिंदुओं के प्रति है, वो इस वीडियो से और अनेक बाकी बातों से सामने आता है। नीतीश वाजपेयी हमारे साथ कांग्रेस बीजेपी के इस वक्त जुड़ चुके हैं नेता। नीतीश, जिस तरीके से ये वीडियो सामने आया और एक मौका मिल गया बीजेपी के पास कुछ कहने के लिए, क्या कहेंगे? देखिए दो बातें मैं बहुत महत्वपूर्ण आपके सामने रखना चाहता हूँ। जब भी कांग्रेस चुनाव विकास के मुद्दों पर हारती है तो अंत में वो कम्युनल कार्ड खेलती है और इसीलिए कमलनाथ जी को यहाँ भेजा गया। कमलनाथ जी 84 के दंगों के आरोपी रहे हैं। आपको ध्यान होगा गुरुद्वारा रकाबगंज पर सुबह 3 बजे उन पर आरोप लगे थे कि उस मॉब का नेतृत्व कर रहे थे जिसने टायर डाल डाल के सिखों को जलाया है। तो अब आप इस बात से समझ सकते हैं कि उनको मध्य प्रदेश क्यों लाया गया, क्योंकि उन्हें मालूम है विकास के मुद्दों पर वो चुनाव नहीं लड़ सकते, मध्य प्रदेश शांति का टापू है। आज शाम को ही एक सूचना मैं आपको और दे रहा हूँ, प्रमोद कृष्णन जो हैं, जो अपने आप को थर्ड पार्टी कहते हैं लेकिन मध्य प्रदेश के वो कांग्रेस की सूची के 36 लोगों में से स्टार प्रचारक हैं, उनके निवास पर उनके आश्रम के ऊपर एक बैठक है जिसमें हार्दिक पटेल और दिग्विजय सिंह ये लोग इकट्ठे होने वाले हैं। ये आपको गोपनीय सूचना दे रहा हूँ, आप इसकी तस्दीक उनके आश्रम में रिपोर्टर भेज कर करिएगा। और ये लोग इस कम्युनल कार्ड को खेलने की आखिरी 10 दिन में प्लानिंग कर रहे हैं। मेरी इंटेलिजेंस वो क्या कर रहे हैं उसका जवाब मैं आपसे लूंगी, जरा ये बता दीजिए। वो ये कह रहे हैं कि आरएसएस क्या कर रहा है, बीजेपी क्या चाहती है, एक तरीके से निशाना साध रही है और ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस सतर्क रहे, क्या ऐसा कुछ वाकई है क्या? पहले आप बीजेपी की तरफ से बताइए कांग्रेस क्या कर रही है, वो भी बात करूंगी मैं आपसे। देखिए वो भड़काने का काम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में चुनाव हमेशा विकास भड़काने का नहीं, सतर्क रहने की बात कह रहे हैं वो कांग्रेस को। ये तरीका होता है, मुझे लगता है आप भी बहुत समझदार हैं, जिस प्रकार से इकट्ठा करके भड़का रहे हैं और शाम को प्रमोद कृष्णन के आश्रम के ऊपर जो भयानक बैठक होने जा रही है, इंटेलिजेंस के लोगों को भी मैं आग्रह करूंगा कि इस पर जरूर नजर रखें। आखिरी के 10 दिन मध्य प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण है। कमलनाथ जी जो 84 ठीक है, मान लिया भड़का रहे हैं लेकिन टिकट भी तो नहीं दे रहे आप एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को, क्यों? देखिए इस पे चर्चा बहुत हो जाएगी, ये संवेदनशील विषय है मैडम और मुझे लगता है इसकी संवेदनशीलता पे विचार होना चाहिए। क्या नहीं, पिछली बार जब ये सवाल मैंने आपसे पूछा तो आपने कहा कि 4 मुस्लिम नेताओं को हमने टिकट दिया, इस बार मैं पूछ रही हूँ तो संवेदनशील मुद्दा हो गया ये। इसका मतलब ये है कि आप हिंदू और मुसलमानों को लड़वा देंगे और इस प्रकार से कांग्रेस चुनाव जीतना चाहेगी? ये जवाब है इसका? क्या इस प्रकार से वो अभी पिछले हफ्ते आपने वीडियो चलाया था, लड़ाने की बात, लड़ाने का कार्य आप कर रहे हैं, आप यहाँ से बागी तेवर उठ रहे हैं, मुस्लिम नेता सामने आ रहे हैं, पार्टी छोड़ के निर्दलीय लड़ने की बात कर रहे हैं, तो इस तरीके से बट तो आपकी पार्टी रही है, एकजुटता अगर आप लाना चाह रहे हैं तो बराबर बराबर रखिए ना, मुस्लिम को भी उतने वोट दीजिए, हिंदुओं को भी वही वोट दीजिए, आप उनको सीट दीजिए, क्यों नहीं दे रहे आप?
देखिए मैडम, वीडियो में आप मुसलमानों को कमलनाथ जी एड्रेस कर रहे हैं और उनको भड़का रहे हैं या दिखा रही हैं, इसका टिकट से क्या संबंध है? आप बताइए, क्या 50% मुसलमानों को टिकट दिया है कांग्रेस ने? क्या आप ये कहना चाहती हैं? कांग्रेस ने क्या कहना चाहती है? देखिए, कांग्रेस का प्रवक्ता जुड़ेगा, मैं उनसे पूछूंगी कि वो क्या कर रहे हैं। आप जुड़े हैं, मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूँ कि बीजेपी क्या कर रही है। एक भी टिकट यहाँ पर नहीं मिला मुस्लिम कैंडिडेट को, क्यों? भारतीय जनता पार्टी धर्म के आधार पर न सरकार चलाना चाहती है न चुनाव लड़ना चाहती है। हमारा स्टैंड तो बहुत स्पष्ट है, जो मैंने आपके सामने रखा है, इसलिए बिल्कुल। चलिए, जनता भी समझ रही है, स्टैंड आपका क्लियर है। बहुत बहुत शुक्रिया हितेश जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से हितेश बता रहे थे यहाँ पर कि यहाँ तुष्टिकरण की कोई कोशिश बीजेपी की तरफ